खेड़ा मैदान रोड पर जीडीसी के सामने स्थित शासकीय हाई स्कूल के प्राइमरी व हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए संस्था हर्ष द्वारा टेबल कुर्सियां, चटाई, पंखे एवं एलईडी लाइट्स वितरित की गई। संस्था हर्ष के अध्यक्ष चंदन सिंह बैस ने बताया कि एक दिन स्कूल आकर देखा कि स्कूल में कुर्सी और चेयर की कमी है, वहीं उन्होंने इस पहल की शुरुआत की। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता एवं नगर निगम सभापति अजय सिंह नरुका की उपस्थिति में संस्था हर्ष के पदाधिकारियों और साथियों के साथ किला मैदान रोड के शासकीय हाई स्कूल के प्राइमरी और मिडिल क्लास के बच्चों के लिए 75 टेबल कुर्सी, 20 चटाई, 3 पंखे और 8 एलईडी लाइट्स की व्यवस्था की गई। इस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल मीनू वाजपेयी भी उपस्थित थी। प्रिंसिपल वाजपेयी ने बताया कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों के लिए तो शासकीय स्तर पर व्यवस्था होती है, लेकिन प्राथमिक व माध्यमिक क्लास के लिए विद्यार्थियों के लिए इन संस्थानों की व्यवस्था नहीं हो पाती, अतः छोटे बच्चों हेतु इन व्यवस्थाओं को करने के लिए वे संस्था हर्ष की आभारी है। साथी चंदन सिंह जी बेस, जिनकी संस्था हर्ष है, उसके माध्यम से यहाँ पर सरकारी स्कूल में आज यहाँ पर बेंचे, टेबल कुर्सियाँ, पंखे और बिछात यहाँ पर उनकी तरफ से भेंट की जा रही है। काफ़ी समय से यहाँ पे समस्या थी, पिछले दिनों ये यहाँ पे आए होंगे और उन्हें जब इस समस्याओं से अवगत हुए तो उन्होंने स्वयं के अपनी संस्था के माध्यम से सब निःशुल्क भेंट कर रहे हैं और इस तरह जन सहयोग के माध्यम से ये जो सरकारी स्कूल हैं इसकी समस्या हल की जा रही है और निश्चित ही इससे हमारे जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनका जीवन स्तर, उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और वो आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह, जो कि चंदन सिंह जी बैस के बड़े भाई थे, उनकी स्मृति में इन्होंने संस्था बनाई है हर्ष संस्था हर्ष, और उसके तहत ये इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं वो करते रहते हैं। और माननीय सुदर्शन जी गुप्ता के मार्गदर्शन में उन्होंने इस स्कूल को गोद लेने का भी अपना एक संकल्प रखा है कि ये स्कूल गोद लेके और इसको धीरे धीरे करके पूरी व्यवस्थाओं से अव्यवस्था जो बच्चों को जो ज़रूरत रहती है उन ज़रूरतों की पूर्ति पूरी करवाएंगे और उससे ये मुक्त करके एक आदर्श स्कूल के रूप में इसको स्थापित करेंगे। मैं चंदन सिंह जी बैस और उनकी जो पूरी टीम है और संस्था हर्ष, इनके सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। और साथ ही अन्य लोगों से भी अपील करता हूँ, जो भी हमारे शहर के नागरिक बंधु हैं जो सक्षम हैं, वो इस दिशा में एक अपना सार्थक प्रयास करें। जो स्कूल जहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता रहती है, नगर निगम की भूमिका स्कूल की बिल्डिंग को बनाने की है, उसको संवर्धन की उसकी भूमिका है, उसके अलावा जो उसको शिक्षा विभाग उसकी पूर्ति करता है, सामाजिक संस्थाएँ आगे आती हैं और इस तरह की पूर्ति वो करती हैं, अपने हाथों में कार्य लेती है, तो निस्संदेह ये एक अभिनव पहल है और इसके लिए संस्था हर्ष बधाई की पात्र है। याद रहे कि स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह बैस की स्मृति में बनी संस्था हर्ष वर्ष भर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और पारमार्थिक कार्य करती रहती है। संस्था के अध्यक्ष चंदन सिंह बैस ने बताया कि इसी क्रम में 11 अगस्त को कमला नेहरू धर्मशाला में विद्यार्थियों को 25,000 कॉपियों का वितरण किया जाएगा। हमारी संस्था के माध्यम से निःशुल्क पास वितरण किए जा रहे हैं। वो पास देने आया था तो यहाँ के जो प्राचार्य महोदय हैं और यहाँ की जो अव्यवस्था देख के मैंने उनसे उनकी एक सूची मांगी थी कि आपकी आवश्यकता अनुसार जो भी आपको चीज़ें लगे आप उनकी एक सूची मुझे दें, वो मैं मेरी संस्था के माध्यम से उसको एक हद तक हल करूँगा। तो जैसा कि मैं अपने पहले चरण में पूरा कर चुका हूँ, उन्होंने मुझसे 50 बेंचें, ट्यूबलाइट और कुछ पंखे मांगे थे, तो जिसमें एक चरण में 25 बेंचों का सेट, पंखे और ट्यूबलाइट आ गई है। दो चरणों में 50-60 बेंचें करीब और आना यहाँ पर अभी बाकी है। संस्था हर्ष के माध्यम से जो भी है यहाँ दिया जा रहा है। चंदन सिंह बेस।